अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। खट्टे मीठे घटाघट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम कच्चे आम लिए हैं, जिनको हम केरी भी कहते हैं। अब हम आम को छील लेंगे। देखिए, हमें इस प्रकार से चाकू की सहायता से सारे आमों को छील लेना है। हमने सारे आमों को छील लिया है। अब हम इनका पल्प निकाल लेंगे। केरी हमें बिल्कुल कच्ची लेनी है, जो अंदर से सफेद हो। इसके घटाघट बहुत अच्छे बनते हैं। आप घर पे ये खट्टे मीठे घटाघट जरूर बनाइए। खट्टे मीठे घटाघट आप बच्चों को बनाकर देंगे तो उनको बहुत पसंद आएंगे। देखिए, हमने सारे आमों के पल्प को निकाल लिया है। अब अगर इसमें कोई बड़ा टुकड़ा है तो उसे हम छोटा कर लेंगे ताकि हमें ये मिक्सर में पीसने में सुविधा रहे। 500 ग्राम आम में से लगभग 350 ग्राम आम का पल्प निकला है। अब हम इसे मिक्सर में डालकर इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे बिना पानी ऐड करे। देखिए, हमने आम के पल्प को मिक्सी में पीस कर तैयार कर लिया है। हमें घटाघट बनाने के लिए इसी तरह का पेस्ट चाहिए। आम के पल्प को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। अब हम इसमें एक बड़ी चम्मच घी ऐड करेंगे। घी की जगह आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। घी हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें आम का पल्प ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये तली में चिपके नहीं। केरी को हमें तब तक पकाना है जब तक इसका सारा पानी सूख ना जाए। आप देख सकते हैं कि केरी का सारा पानी सूख चुका है। अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ को हमने कूटकर बारीक कर लिया है ताकि ये आसानी से घुल जाए। आम का पल्प लगभग 350 ग्राम था, इसलिए हमने गुड़ भी यहाँ पर 350 ग्राम ही लिया है। जितना आम का पल्प होता है उसके बराबर ही हमें गुड़ लेना होता है। अब हम गुड़ को पल्प में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आप देख सकते हैं कि गुड़ ऐड करने के बाद हमारे आम का पल्प वापस पतला हो गया है, तो हमें इसे चलाकर वापस गाढ़ा करना है। देखिए, अब ये हल्का हल्का गाढ़ा होने लगा है। हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। हम इसमें मिलाएंगे एक चम्मच काला नमक, एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बचे हुए मसाले भी ऐड कर लेते हैं। हमने लिया है आधा चम्मच नमक, ये खाने वाला नमक है। एक छोटी चम्मच गरम मसाला। इन मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें लगभग 15 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए।
अब हम इसे गाढ़ा होने तक और पका लेंगे। हमने इस पेस्ट को लगभग 10 मिनट तक और पकाया है। आप देख सकते हैं ये अपनी किनार भी छोड़ने लगा है। अब ये एकदम परफेक्ट पक चुका है। अब हम इस पेस्ट को बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसे कुछ देर ठंडा होने के बाद इसके गटागर तैयार कर लेंगे। ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसके गटागर तैयार कर लेते हैं। गटागट के ऊपर लगाने के लिए हमने ये बारीक शक्कर ली है। आम की गटागट बनाने के लिए हम पहले अपने हाथों को ग्रीस कर लेंगे, फिर इसमें से छोटी सी लोई तोड़कर हम गोल गोल गोली बना लेंगे। आप चाहे जिस साइज की गोली बना सकते हैं, छोटी बड़ी, आपको जैसी पसंद हो उस हिसाब से आप बना लें। देखिए हमें इस प्रकार से ये गोली बनाकर अब ये शक्कर में डिप करनी है। इस गोली को शक्कर पे रख के इसे थोड़ा राउंड राउंड घुमा लेंगे। इस प्रकार से हमें सारी गोलियां बनाकर तैयार कर लेनी है। इसी तरह से हमने सारे आम के गटागट तैयार कर लिए हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारे आम के खट्टे मीठे गटागट। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।